पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्या मकसद है? मैं मुरादाबाद का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मेरी बूथ संख्या 495 कटार शहीद इंदिरा चौक पे और 495 बूथ पर जब मत पड़े हैं वो कुल 74 पड़े हैं। 57 पुरुषों के हैं और 17 महिलाओं के हैं और 6.20% पोलिंग हुआ है। तकलीफ इस बात की है जब काउंटिंग होती है तो उसी बूथ पे 723 वोट निकलते हैं, तो ये वोट कहाँ से आए हैं? ये बड़ी तकलीफ की विषय है। और इसको लेकर विभिन्न दैनिक जागरण में जो रोज के पेपर हैं दैनिक वाले, कई पेपरों में इन्हें दर्शाया भी गया है, कहीं पे मेरा नाम लेके खबर लगाई है, उसमें मेरी छवि को खराब किया गया है। इसलिए ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है। और मैं मुरादाबाद की जनता की तकलीफ को जानता हूँ। जनता आजकल रोड पे, चौराहों पे, गलियों में, मोहल्ले में अफसोस जाहिर कर रही है और बड़ी तकलीफ के साथ ये सोच विचार कर रही है कि हमने इतना वोट दिया, वोट गया कहाँ है। और ये जो कुछ मात्र कांग्रेस के प्रत्याशी मात्र 3800 वोटों से या 4000 वोटों से लगभग हरे हैं, वो अपने घर में चैन की बंसी बजा रहे हैं और आराम की नींद सो रहे हैं और मुरादाबाद की जनता कम में डूबी हुई है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि इतनी बेफिक्री, ऐसी लापरवाही आपकी क्या है कि आपने क्या इसे साजिश करी है, क्या आपने गोलमाल करा है इसकी मुरादाबाद को जनता को बताएं। और मैं निर्वाचन आयोग से ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सरकारी रिकॉर्ड के अंदर या तो इस चुनाव को रद्द करा जाए या इसकी दोबारा मतगणना करी जाए। मेरे बूथ, मेरा नाम लेकर, ये मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो हैं बड़े बूथ, 74 वोट पड़े हैं, ये देख लीजिएगा आप, 74 मत पड़े, 17 महिलाओं के, 57 पुरुषों के परसेंटेज ये है। और जब गणना होती है तो ये 720 वोट पड़ते हैं, निकलते हैं वहां से। तो आपका क्या मानना है, कहां गड़बड़ी हुई? ये सारे मुरादाबाद में, और ये छपा भी है और ये मेरा नाम लेकर खबर छपाई है, मुझे बड़ी आपत्ति है इस चीज से। मेरा कोई वर्जन नहीं लिया गया, मैं उनसे नोटिस के जरिए जानकारी कर लूंगा अपना। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुरादाबाद की जनता को ईमानदारी के साथ, जो मुरादाबाद की जनता अफसोस में डूबी हुई है, उसको सच्चाई का पता चलना चाहिए। किसने क्या गोलमाल करा है, क्या साठगांठ करी है, ये मुरादाबाद की जनता के सामने आना चाहिए। और मैं निर्वाचन आयोग से बार बार डिमांड करता हूँ, ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है, या तो इसका चुनाव रद्द हो या इसकी दोबारा मतगणना हो। तो 500 बाकी के जो 577 बूथ हैं उस पर कितनी गड़बड़ियाँ होंगी, वो ये विषय है चेकिंग का, ये जांच का विषय है। ये तो आ रही है, इलेक्शन लड़े हैं, प्रत्याशी लड़े हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं, आपको आपत्ति क्यों? भाई मैं मुरादाबाद का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरे खिलाफ जब मेरी छवि धूमल करने के लिए पेपरों में छपा है तो मैंने जानकारी करी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बूथ पे इतने बूथ तो वोट पड़े भी नहीं है और इतने वोट निकलना है, तो जब मेरे बूथ पर 74 वोट पड़े और निकले 723, तो मुझे तो तकलीफ होगी कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। भाई मैं विधायक रहा हूँ तो इतनी तो समझ रखता हूँ कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्यों गड़बड़ी हो रही है, ये तो एक जाँच का विषय होना चाहिए। ये प्रत्याशी जो कम वोटों से हारा है उसे भी सोचना चाहिए। यह तो मुरादाबाद की जनता के सामने सच आना चाहिए, या तो कोई मोटा कोई आपसे समझौता हुआ है उनमें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।